कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। और देखो यार, हमारे पास बहुत टाइम है तो आप सुनते रहना। मन में है कि यार शायद इन लोग का कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा, ये लोग मुझे नहीं लेना चाहते। उन लोग को नहीं पता कि हम बाहर से कितना स्ट्रगल करके आ रहे हैं। कोई भी लड़की खुश नहीं थी, तो उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो और तुम मुझे अपनी टीम में नहीं चाहते हो, ना ही तुम इस शो में चाहते हो कि मैं आऊँ। खाना खाने हम लोग जब जाते थे ना, कोई मेरा वेट नहीं करता था। और अगर आप दोस्ती दोस्ती बोलते हो ना, तो दोस्ती निभाने के लिए ये करके दिखाओ, दे दो अपनी इम्यूनिटी। तुम्हें लगता है अगर तुम डेंजर में होती और सचिन तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता? नहीं करता। मुझे हर किसी ने मेरे बारे में ना गलत ही बोला है, चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो शिवेत हो, चाहे आशिका हो, कोई भी हो। यहाँ पर आके मुझे पहली बार फीलिंग हुई कि यार तुझे कोई नहीं चाहता, सचिन सबका बाप है, मतलब ब्रेनलेस बिम्बो होगी, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आई वुड क्राई, डोंट क्राई। जेन्युइनली ये फेक कर रहे हैं। आर यू गाइस डेटिंग? हू, मी और सचिन? नो, यू एंड दिग्विजय। शिवेत ने मेरे बारे में 10 लोगों को बहुत खराब खराब बातें बोली है, आज मेरे साथ ही, कल तेरे साथ ही, कल उसके साथ ही। मुझे लग रहा है वो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उनको यू नो होते नहीं कि एक सीनियर टाइप का कि हाँ आओ भाई, वेलकम वेलकम रिया, वेलकम गौतम, आप शो में रहो, मज़ा आएगा, साथ में खेलेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा डे वन से ये चीज़ कोऑर्डिनेशन रहा ही नहीं। हमको जो चीज़ें नहीं पता है ना उन लोग के बारे में, वो हमें शो के अंदर पता चली थी कि अच्छा ऐसा कुछ है। पता है मैं, पता है कैसी इंसान हूँ मैं, यहाँ तो एकदम बहुत बोलूंगी या तो ऐसे बैठ जाऊंगी जैसे मरी हुई लाश है। Hey guys, welcome to Don't Spill Too Much, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं, so do not miss any part. Today's guest is someone who was a wild card on the journey, just like me, but she performed really well and made it quite far. She's someone who's not just pretty, but very strong too. Let's get Akriti Negi on the couch and we'll have a quick chat with her. Hi! Hi, pretty lady. Hello. आज बैठेंगे दो wild card. आइए आइए पधारिए. Thank you. कैसी हैं आप? जैसे आप हैं वैसे ही मस्त, मजे आ रहे हैं मुझे तो। हाँ, जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, रोडीज के बाद तो काफी अच्छी होगी ऐसा लग रहा है, कुछ उखाड़ा है लाइफ में। एंड जिस चीज के बारे में मैं सोच रही थी लाइक बहुत बहुत पहले से, यू नो आप कुछ चीज़ ड्रीम करते हो, किसी को लगता है कि मैं पुलिस बनूंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वैसे ना मैं ये सब नहीं सोचती थी। मुझे ऐसा मन करता था कि कुछ रियलिटी शो करना है, कुछ एक्टिंग, एड्स वगैरह, म्यूजिक एल्बम, तो मेरे मन में ना बचपन से ही था ये सब करना। एंड जब मैं रोडीज़ के लिए सेलेक्ट हो गई तो मुझे उस टाइम फील ही नहीं हो रहा था कि यार मैं लिटरली रोडीज़ कर रही हूँ, जो मैंने सोचा था। तो बहुत अच्छा लग रहा है रोडीज़ करके, एंड मेरे मॉम डैड बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम, इवन आए कि यार चलो कुछ तो किया तुमने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सपोर्ट करते हैं फैमिली के, रियलिटी शो में गए हो आप? हाँ, तो मेरी फैमिली जो है ना थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है, तो उन्हें ये सब पसंद नहीं है कि टीवी पे आना, छोटे कपड़े पहनना, बच्ची मुंबई जा रही है, 10 लोगों से मिल रही है, तो उन लोग को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं गई हूँ, मैंने अपनी चीज़ें चूज़ की, मैंने सोच, और मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ में कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ। गलत राह पे तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ गलत चीज़ें करूँगी, मैं हमेशा से अच्छी चीज़ें करना चाहती थी। पहले मैंने अपने आप को रखा, फिर मैंने सोचा कि यार बाद में तो मॉम डैड को मना ही लेंगे। तो जब मैंने जब रोडीज़ का ऑडिशन दिया था, तब मैंने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया था कि मैं रोडीज़ का ऑडिशन देने जा रही हूँ। तो जब रोडीज़ का ऑडिशन हो गया, उसमें भी बहुत बड़ी कहानी है, वो तो मैं बताऊँगी, बट अभी तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो चाहते कि मैं भी और आगे काम करूं, तो अच्छा लगा। I think that's great, क्योंकि बहुत पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते। right, right. से मैंने भी चालू किया था, जब मैं एक्टिंग में घुसने वाली तब मेरे फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी। बट right. जब मैंने रोडीज का ऑडिशन दिया था तो उन्होंने मुझे खुद पुश किया था कि मेरे पापा ने बोला कि तुझे देना चाहिए, आई थिंक यू आर मेड फॉर दिस, तू लड़वड़ लेगी। अब मुझे ऐसा लगता नहीं यार पापा मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, मेरे मॉम डैड को भी एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा था कि रियलिटी शो है वो फेक है कि रियल है, क्योंकि आजकल के टाइम में इतने स्कैम फ्रॉड ये सब चल रहा है ना, तो उनको ऐसा भरोसा नहीं होता है कि यार मेरी बेटी कुछ गलत चीज़ों पे ना पड़ जाए, तो उनको इस चीज़ का डर लगता था। बट उन्होंने देखा कि भाई सोनू सूद हैं सामने, उनके साथ शो कर रही है, तो उनको थोड़ा सा फेथ आया मुझ पे कि नहीं यार मेरी लड़की सही काम कर रही है, एंड उन्हें लगा कि इसमें पोटेंशियल है तो इसको करने दो जो करना चाहती है। बट हाउ वाज योर जर्नी, क्योंकि आप PI में सेलेक्ट नहीं हुए? राइट राइट, ठीक है। फिर आप जियो सिनेमा के जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसके थ्रू आप आए एज अ वाइल्ड कार्ड, क्योंकि आई फील जब आप वाइल्ड कार्ड आते हो ना बहुत डिफिकल्टी होती है आपको सर्वाइव करने की, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शंस बन चुकी होती है, अलायंस बन चुकी होती है, आपको कन्विंस करने में बहुत डिफिकल्ट है कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, और अदर टाइम तो आपको ये समझ नहीं आती चल चल रहा है, झगड़ा क्यों हो रहा है मुझे। तो बेसिकली मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या है, शुरू से बताती हूँ इन लोगों की जर्नी तो स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट होगी, पहले मैंने GD1 दिया, GD2 दिया, उसके बाद मैं PI में गई,
पीआई में सेलेक्ट भी हो गई, मुझे वहां से निकाल भी दिया. बट जो पीआई में बच्चे सेलेक्ट हो गए वो तो अपना शॉपिंग वॉपिंग करके कि आज तो हमें जाना है यार, अब तो रोडीज की जर्नी कंफर्म हो गई है. बट मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था वो चीज़ कि जब मैं सेलेक्ट होके भी सेलेक्ट नहीं हो पाई, मुझे निकाल दिया गया. ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर भी हार नहीं मानी. मुझे ऐसा लगता था कि यार, गट फीलिंग आती थी कि नहीं यार आकृति कुछ तो है तेरे में, है कुछ, तभी उन लोगों ने तुझे पीआई में भी सेलेक्ट किया है. उसके बाद मैं बहुत रोने से लगी क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स पीआई में गए थे ना उन सबका हो गया और हम लोग साथ में वेट कर रहे थे. हम लोग कॉल पे थे कि यार तुझे कॉल आया, तुझे कॉल आया, सबको आ रहा है और मैं वेट कर रही हूँ यार मुझे भी आ जाए, मुझे भी आ जाए, और मुझे नहीं आया. और वो दिन बहुत बुरा था. उसके बाद फिर मैंने शायद किसी भी इंसान से नहीं बात की जो रोडी से कनेक्टेड था. मैंने एकदम छोड़ दिया, मैं चली गई ऋषिकेश घूमने. मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक जगह बैठे बैठे ना रोना सा आ जा रहा था कि यार मुझे रोडीज करना था, मैं सेलेक्ट हो गई, मुझे लोगों ने सेलेक्ट किया, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे करना था रोडीज. फिर मैं चली गई ऋषिकेश. मैंने कहा छोड़ यार, भाड़ में जाए, इन लोगों को नहीं सेलेक्ट करना था, छोड़ दो, क्योंकि मैं एक जगह बैठी हूँ तो बस मैं उसी के बारे में सोचूं कि उन लोगों ने सेलेक्ट क्यों नहीं किया मुझे. मैं चली गई ऋषिकेश अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ. वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी मगर मैं फिजिकली प्रेजेंट थी बट मेरा मेंटल स्टेट था ना वो जा चुका था. मैं सोच रही थी यार मेरे वो दोस्त जा रहे होंगे यार जर्नी पे, यार अब तो उनकी लाइफ सेट है, हम ही यहीं पर रह जाएंगे. शिवेत था और पेरी थी और प्राक्रम, प्राक्रम की गर्लफ्रेंड लेखा दी, ये सब थे. तो हम लोग सब साथ में मुंबई में ऑडिशन दिया था ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था. मैंने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब भूल जाओ आकृति, अभी तुम अपने पे फोकस करो, मे बी शायद नेक्स्ट टाइम. फिर जब मैं ऋषिकेश से वापस आई तब पता चला मुझे कुछ ऐसा बैटल ग्राउंड जैसा कुछ चल रहा है, ऑनलाइन ऑडिशन चल रहे हैं. मैंने कहा चलो यार एक बार ट्राई दे देते हैं. मन में है कि यार शायद इन लोग का कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा, ये लोग मुझे नहीं लेना चाहते, ये लोग बस ऐसे ही होगा कि चलो क्यूट क्यूट है करके इन लोगों को दिखाना था टीवी पे इसलिए इन लोगों ने ले लिया. फिर क्या हुआ कि मैंने कहा छोड़ो, दे देते बैटल ग्राउंड. मैंने पहना नाइट सोड़ा, मैंने ऑडिशन दे के दे दिया, सब कुछ दे दिया. ऑडिशन वन दिया, उसके तीन चैलेंजेस थे वो कंप्लीट किए, सब दे दिया, वो लग बाय चांस सेलेक्ट हो गया मैं. फिर मैं गई बैटल ग्राउंड में. बैटल ग्राउंड में मैंने वहाँ पर 5 लोग आए. तो ऐसे ऐसे करके यू नो जर्नी जब आगे चलने लगी तो मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार शायद तू वाइल्ड कार्ड के लिए ही बनी है, तू स्टार्टिंग से जर्नी के लिए नहीं बनी है. तो मुझे लगा कि चलो एज अ वाइल्ड कार्ड मैं अंदर जाऊंगी. तो फिर ऐसे करके मैं वाइल्ड कार्ड अंदर गई. ठीक है, अब धीरे धीरे आप पता है क्या होता है, अब वाइल्ड कार्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है जर्नी. उन लोगों को नहीं पता कि हम बाहर से कितना स्ट्रगल करके आ रहे हैं. ठीक है, हम लोगों को 3 चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं. उसके बाद जब हम लोग एंट्री किए ना तो सच बताओ मैं, कोई भी लड़की खुश नहीं थी, कोई भी लड़की खुश नहीं थी. जेलिस ऑफ यू, जेलिस कहो जो भी कहो मुझे नहीं मालूम बट सच बता रही हूँ, कोई भी लड़की खुश नहीं थी. लड़कों में थोड़ी सी हल्की बहुत मुस्कान थी बट लड़कियों में तो बिल्कुल भी लड़कों में मुस्कान नहीं, उनके सारे 32 के 32 बाहर थे जैसे आकृति आई थी. मैं गई तो पता है आप वाइल्ड कार्ड हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, बहुत नेगेटिविटी नहीं चाहिए होती उस टाइम आपको. तो मैं गई, मैंने पिच विच किया सबको. ठीक है, मैं रिया गैंग में गई ना तो मुझे बस एक ही इंसान था, सचिन. उससे थोड़ी ठीक ठाक वाइब आई मुझे उस टाइम, फर्स्ट टाइम पे उसी से ठीक ठाक वाइब आई, वरना और कोई था ही नहीं जिससे मेरी वाइब मैच हो रही, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी लीजा ये लोग जा चुके हैं तो उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बोल दिया था. मैं गई और मैं वहाँ से वापस आ गई. फिर मैं पूरे टाइम जीजी गैंग में बैठी रही. मैंने जीजी गैंग में दिग्विजय इन लोगों से काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना लिया था और मैं चाहती थी कि मैं जीजी गैंग में जाऊँ. मुझे रिया गैंग में नहीं जाना था, मुझे प्रिंस गैंग में नहीं जाना था. प्रिंस गैंग में भी आशिका ये लोग थे, मुझे उनके हाव भाव से सब समझ आता है. कोई बेवकूफ़ मैं यहाँ चू नहीं लिखा है मेरे कि तुम्हारे तुम जैसे रिएक्ट करो मेरे से, तुम जाके ली को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है. तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो और तुम मुझे अपनी टीम में नहीं चाहते हो, ना ही तुम इस शो में चाहते हो कि मैं आऊँ. ठीक है, तो फिर मैंने कैसे तैसे करके मैंने पिच विच किया और उसके बाद क्या हुआ कि मैं रिया गैंग में चली गई. रिया गैंग में जाने के बाद एक तो रिया गैंग से तो मैंने बनाई नहीं थी, बिल्कुल भूमिका से नहीं बनाई थी, किसी से भी नहीं बनाई थी. मैं जाके खड़ी होगी रिया गैंग में, मैं कह रही यार ये कहाँ आ गई, यहाँ तो आना ही नहीं था मुझे, तो जीजी गैंग में जाना था, मुझे कहाँ भेज दिया. मुझे बहुत खराब लग रहा था, मैं लिटरली मैं रिया गैंग में नहीं जाना चाहती थी. क्यों? क्योंकि यार जब मैं फर्स्ट टाइम कैंप के अंदर गई थी ना, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊँ उनके गैंग में, चाहते ही नहीं थे. मैं कुछ भी बोल रही थी ना कि मैं स्ट्रांग हूँ तो कहते अरे तो स्ट्रांग हम भी हैं. अरे तो मैं ये सुनने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, आप मुझे इन इन पॉइंट से ले सकते हो अपनी गैंग में. वो लोग चाहते ही नहीं थे मुझे अपनी गैंग में लाना. मतलब फिर आपको ना थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होता है कि यार मेरे में क्या पोटेंशियल नहीं है, मैं इतना वाइल्ड कार्ड इतना सब कुछ करके आई, मतलब तुम लोग मुझे कुछ भाव ही नहीं दे रहे, कौड़ी भर का भी नहीं समझ रहे हो. तो फिर मैं जब रिया गैंग में खड़ी होगी तो मैं देख रही हूँ चलो कहाँ आगे, छोड़ो अब जैसा है परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब धीरे धीरे बॉन्ड बनाना है लोगों से. मैंने बनाया बॉन्ड, कोशिश मैंने पूरी की,
मैंने रिया गैंग से ही पहले स्टार्ट किया, मैंने भूमिका से बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, मैंने नायरा से बनाना किया। सचिन एक ऐसा पहला बंदा था जो खुद चल के आया था मेरे पास, मुझे उसके पास जाना नहीं पड़ा। सचिन का क्या सुंदरता देखता है ना, तो वो ऐसे फिसलता जाता है। मुझे नहीं पता कि उसे सुंदरता देखी थी। क्या बोलते, जब चीज पड़ी होती है तो चूहा आता है ना खाने। नहीं ऐसा नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मेरी वाइब उसे अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, आप अगर आपसे मेरी वाइब मैच हो रही है तो हम लोग तुरंत बात करना स्टार्ट कर देंगे कहीं से भी कहीं, तो उसको शायद ये हुआ था। तो मैंने तो बात सबसे ट्राई किया, सब आप मानोगे नहीं, मैंने सबसे ट्राई किया, बट एक रिस्पॉन्स आपको पता चल जाता है कि आपसे नहीं मिलना चाहता है, आपसे बात नहीं करना चाहता है। तो वो चीज़ मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई मतलब मुझे अपना अपनाना नहीं चाहता है, ये लोग मुझे डालने के लिए। हाँ, वो मुझे अगर जो भी वोट आउट होगा ना, सबसे पहले मुझे आउट करेंगे, तो मैं समझ गई थी। और फिर सचिन के साथ से मेरा उस टाइम से बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सब कोई चले जाते थे, मतलब अभी जैसे ऑफ कैमरा की बात होती है, ऑन कैमरा तो सब चलो सब कुछ चल रहा है। खाना खाने हम लोग जब जाते थे ना, कोई मेरा वेट नहीं करता था, सब चले जाते थे, सचिन वेट करता था मेरे लिए कि आकृति चल। मेरा बॉन्ड इसीलिए उससे ज़्यादा बना। ऑन कैमरा तो हम लोगों ने इतना कुछ दिखाया ही नहीं हमारा बॉन्ड, हमारा ऑफ कैमरा रियल में हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो मेरे लिए वेट करता था, मैं भूखी रहती थी, मेरे लिए कैम में खाना लाता था। तो ये सब चीज़ें तो अभी ऑडियंस ने देखी ही नहीं है, तो लोग इसीलिए शॉक हो रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली मेरा अभी शो देखा होगा जिसमें मैंने अपनी इम्यूनिटी सचिन को दे दी है, राइट? तो मैंने इसीलिए नहीं थी कि मुझे कैमरे के लिए मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा दिल है, नहीं। मेरा सचिन के साथ बॉन्ड सच में बहुत प्योर था। और अगर आप दोस्ती बोलते हो ना, तो दोस्ती निभाने के लिए ये करके दिखाओ, दे दो अपनी इम्यूनिटी, दे दो। आप आशिका श्वेत आप लोग बड़ा दोस्त दिखाते हो, दे देते, चले जाते घर उस दिन। तुम्हें लगता है अगर तुम डेंजर में होती और सचिन तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं बता रही हूँ ना, मेरे जैसे नहीं होता। सचिन के वहाँ रोटीज में कोई भी नहीं कर पाता, ट्रस्ट मी, कोई कर ही नहीं सकता। आपको पता भी होगा ना कि आप घर जा रहे हो, मुझे पता था कि मैं घर जाने वाली हूँ, मैंने फिर भी दे दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे सेकंड चांस मिलने वाला है इस पे, मैंने दे दिया। मैं चाहती थी कि सचिन खेले, बट इट वॉज योर ड्रीम एमटीवी रोडीज, राइट? राइट, ठीक है। बट आप वहाँ खड़े हो, आप वाइल्ड कार्ड हो, आप ज्यादा दिखे भी नहीं हो, आपको परफॉर्म करने का भी इतना मौका नहीं मिला, फिर भी आप वहाँ खड़े होके आपने बोला कि ठीक है यार, आई विल स्वॉप माय सीट एंड यू कैन टेक इट, राइट? तो मतलब क्या स्ट्राइक हुआ आपके दिमाग में कि यार चलो मैं उसको दे देती हूँ, वो ज्यादा डिजर्व करता है? क्योंकि डे वन से जब से मैं शो के अंदर आई थी, तब से सचिन ही था मेरे साथ, ठीक है। मुझे हर किसी ने मेरे बारे में ना गलती बोला है, चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो शिवेत हो, चाहे आशिका हो, कोई भी हो, सबने गलत बोला है, ठीक है। इवन तो सचिन खुद मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था, मगर सचिन को मैंने इम्यूनिटी इसलिए दी क्योंकि मेरी तरफ से उसके लिए जेन्युइन बॉन्ड था, क्योंकि मैं उसे सच में फ्रेंड मानती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर मैं इमोशनली डैमेज हो रही थी ना, वो हील कर दे रहा था मुझे, तो मैं चाहती थी कि वो शो में रहे। और हमारी बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत डीप, हम लोग जब भी बात, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हम जब भी बात करते हम गेम के बारे में बात ही नहीं करते थे, हम पर्सनल लाइफ में घुस जाते थे कि हाँ आंटी ये कर रही होंगे, आंटी ने किया, मैंने यहाँ से शुरू किया, ये स्टार्ट, हम लोग ये सब बातें, हम कभी गेम के बारे में बात ही नहीं की हम लोगों ने। तो इसीलिए शायद मैंने उस दिन उसको इम्यूनिटी दी, मुझे लगा इसको शो की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो चलो ठीक है, वाइल्ड कार्ड में आई हूँ, इतना प्यार मुझे मिल नहीं रहा है, तू ही कर ले, क्योंकि उस हिसाब से वो कंटेंट भी दे रहा था जो शो को चाहिए, वो दे रहा था, तो वो डिजर्विंग था। और सच बताओ, वहां पर कुछ लोग ऐसे करे, सचिन 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 ऐसे जब बोल रहे थे ना कि किसको सेव करना चाहिए, सचिन, मुझे फीलिंग आती थी कि कोई मुझे चाहता नहीं है शो में, बहुत बुरा लगता है। और मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा फील हुआ कि आकृति तुझे कोई नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी में रही हूँ मैं, मेरे चाहे फ्रेंड्स हो, एक्स हो, कोई भी हो, हमेशा प्रायोरिटी में रही हूँ मैं। ऐसा टोरा होना चाहिए आपका कि प्रायोरिटी। और यहाँ पर आके मुझे पहली बार फीलिंग हुई कि यार तुझे कोई नहीं चाहता, तो यहाँ पर थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला है। तो यही था, इसीलिए मैंने उस दिन सचिन को इम्यूनिटी दी। बट मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, हाँ, क्या है लप्पू से सचिन में? चिंगू सा तो ऐसा सचिन सबका बाप है। डैम Is your daddy? नहीं नहीं यार, ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मेरे मॉम चैट देखेंगे। तो सचिन यार, सचिन क्यूट है, मतलब एक नंबर लड़का है, ऐसे दोस्त सबको मिले है ना, अपने पास भी एक। Why did you reject दिग्विजय? ये कैसे सवाल है? मैंने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब उसने दिखाया कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, उनको आपकी फीलिंग्स है, बट यू वर लाइक नहीं, मैं अपने
गेम पे फोकस करने आई हूँ। मैंने दिग्विजय के लिए मैंने सबके लिए बोला था ये चीज, मैंने सचिन दिग्विजय जोगिंदर जो भी लाइन में थे मैंने सबके लिए बोला था कि मैं इन सब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे खेलना है। श्रेया मैं डे वन से ना अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, क्योंकि पता है क्या होता है, आप जब शक्ल से थोड़े ठीक ठाक होते हो ना तो आप थोड़े मतलब थोड़े प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, ठीक है, मतलब शक्ल से जब ठीक ठाक लगते हो ना तो लोगों को लगता है ये तो डम्ब होगी, इससे क्या होगी, मतलब ब्रेनलेस बिम्बो होगी, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सचिन भी मुझे मतलब पूरी ग्रिया गैंग मुझे ऐसा अंडर एस्टिमेट करती थी, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो सब भूमिका को बोलते थे। मैं डे वन आई थी मैंने सचिन को बोला था कि भूमिका बहुत से लोगों को ऐसा आई कैन नॉट बी बायस्ड मतलब ऋषभ सचिन इन दोनों से मेरी बात हुई तो इन दोनों को लगता था कि भूमिका स्ट्रांग है, और मैंने डे वन से बोला था मुझे तो नहीं लगती स्ट्रांग, मैंने सचिन को बोला था यार भूमिका। और रही बात, एक और बात मुझे बोलनी है, यहाँ पर नायरा को डिसलॉयल बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है नायरा फिर भी गैंग के लिए बहुत स्ट्रांग कॉम्पिटिटर हो सकती थी, वो गैंग को स्ट्रांग बना सकती थी। ऐसे तो भूमिका की भी पार्टनर वो थी प्रियंका दूसरे गैंग में, मेरे को तो उस पर पूरा टाइम शक रहता था तुम लोग को क्यों नहीं रहा, और तुम लोगों को नायरा पे हो गया कि मतलब उसका दूसरा, अरे यार ठीक है वो उसे पसंद करती है वो बात अलग है, वो बात ली करिए, तुम लोग भी तो कर रहे हो, तुम लोग कौन से एकदम दूध के धुले हुए हो, तुम सब वही काम कर रहे हो जो नायरा कर रही है। आई थिंक एमटीवी रोडीज में यही होता है, एक टेंट की बात एक टेंट में रह ही नहीं सकती, रात में फ्लो होती है, रात में फ्लो होती है, ये सब झूठ है। और जो लोग तुम्हें ऐसे दिखाते हैं नहीं हमने तो नहीं किया, मगर तुम ही हो, तुम ही नहीं किया है। मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है जब शो में आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, फिर आप जब टीवी पे आके देखते हो कि यार इसने मुझे वोट आउट किया, तब कनेक्शन ऐसा क्यों हो जाता है यार? अभी हो तो रहा है सबके आग बबूले बाहर सब पागल, जितना लोग शो में नहीं लड़े हैं वो बाहर आके लड़ रहे हैं, क्यों सब अरे क्योंकि मैं वही तो बोल रही हूँ, अब क्योंकि शो के अंदर तो इन लोगों ने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हारा साथ दिया है, अब पता चल रहा है कि हाँ लेके खड़े उनका नाम तो हम तुम्हें ही वोट आउट किए, अरे मुझे तो अब पता चल रहा है कि ऋषभ ने मुझे वोट डाला था गलत बात है। और उसके बाद मैंने अभी अनसीन और अनकट में यार क्या देखा आई गोइंग टू क्राई, डोंट क्राई, मुझे इतना बुरा लगा। अभी दो चार दिन पहले मैंने देखा जहाँ पर ऋषभ और सचिन मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आकृति पर ट्रस्ट नहीं करता, मतलब ये चीज जब सचिन के मुंह से मैंने सुनी ना मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, क्योंकि ट्रस्ट एकदम से नहीं आ जाएगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सचिन के साथ रहती थी, इसीलिए मैं दिग्विजय से भी बात नहीं करती थी कि तुम लोगों को मतलब मेरी गैंग को ये ना लगे कि दिग्विजय से जाके बात कर रही है या शायद कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर देगी या फिर ऐसा कर देगी, इसलिए मैं दूसरे गैंग में जाती ही नहीं थी। आपने कभी मुझे ना उसमें जीजी गैंग में देखा होगा, ना मुझे प्रिंस गैंग में देखा होगा, हमेशा मैं और आप कभी भी मुझे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में देखोगे नहीं कि जहाँ लड़ाई हो रही है ना वहाँ मैं कैंप में सो रही होती थी, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन लड़ेगा, मुझे पता है ये लोग सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं और ये सिर्फ सब कुछ फेक है, जेन्युइनली ये फेक कर रहे हैं, और कैमरा जैसे ही बंद होता है ना ये लोग खाते हैं, और भाई तूने पनीर खाया, ये खाना ये वाला खाया, कौन है ये, कौन है ये, शिवेद भूमिका सब साथ में कैमरे पे लड़ रहे हैं, तुम सेक्सिस्ट की बात पे लड़ रहे हो, वोट आउट पे लड़ रहे हो, फिर बाद में तुम बैठ के खा रहे हो मुस्कुरा रहे हो, मतलब मुझे ये चीज नहीं समझ आ रहा है, या तो तुम फेक कर रहे हो सिर्फ मतलब टीवी वगैरह के लिए कर रहे हो, तुम जेन्युइन चीजें खेलो ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था। तो नायरा वाली बात मैं बताती हूँ, तो नायरा को इतना फेक क्यों बोला जा रहा था, वो काम तो भूमिका भी कर रही थी प्रियंका के साथ, वो तो लाइव एग्जांपल थी, तुम लोग को तो पता भी है कि प्रियंका उसका कनेक्शन है। Do you think वो कनेक्शन जेन्युइन था? नहीं, लव एंगल फेक था, फेक था, फेक था, वन वर्ड आंसर ओनली फेक था, और किसका कनेक्शन था? मैं सच बता रही हूँ, वहां जितने भी कनेक्शन थे ना सब फेक थे, इंक्लूडिंग योर्स? नहीं, अगर मेरा फेक होता ना शायद मैं उसे इम्यूनिटी देती ही नहीं सचिन को, मुझे घंटा सचिन की जगह कोई और होता ना मैं घंटा नहीं देती, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। वो तो सचिन को मैंने इसलिए देखा क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा बॉन्ड था, मैं तो ये भी नहीं बोल रही कि उसकी तरफ से था, मुझे जेन्युइनली वो इंसान अच्छा लगा, मुझे उसको देनी थी इम्यूनिटी इसलिए मैंने दी। पर उसकी वजह से तुम्हें प्यार भी मिल रहा है ऑडियंस से? हाँ जरूर मिलना चाहिए यार, ऐसे कि वही तो, क्योंकि कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई इतना महान नहीं, सबको पता है रिश्ते बनाने कोई नहीं जाता है, फ्रेंड बनाने कोई, जब सबको फेम चाहिए, सब करियर बनाने गए, मेरे मेरे जैसा करके दिखाओ कोई, वही तो आई थिंक लड़कियों के साथ बुरा होता है भाई, बीन दैट एंड दैट वाज इन द सेम बोट। अच्छा आपका
भी वोट आउट शायद ऐसे ही हुआ मेरा था, भी ऐसे ही थे, मुझे भी धोखाधड़ी करके बोला कि हाँ तुम्हारे साथ मैं निकल जाऊंगा। अभिमन्यु ने मुझे बोला था कि हम दोनों साथ में जाएंगे वोट मी आउट, बट मुझे ये बात ही नहीं पता थी कि जबी और अभिमन्यु की बात हो चुकी है कि जबी स्वॉप कर लेगा उसके लिए। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे सर्कल ने मुझे ऐसे उल्लू बनाया और मुझे वोट बैंक की तरह यूज किया था। मेरे साथ भी तो यही हुआ है, अभी आप शो देखोगे ना आपको समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉइंट पे मैं ऐसा यूज टाइप हो गई हूँ। बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, आई हैव बीन यूज्ड टू इट। हाँ मतलब मुझे अब समझ आ रहा है कि यार शायद आकृति तुम्हें अपने लिए खेलना चाहिए था। मैं इस चीज़ पे कभी रिग्रेट नहीं करूंगी कि मैंने सचिन को इम्यूनिटी के लिए मतलब सर को पिच किया था, इस चीज़ के लिए नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर गेम में और खेल सकती थी, मतलब अच्छे से खेल सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अभी तक परफॉर्म किया था मुझे लगता था मैं स्टार्टिंग से आती ना अगर जर्नी पे, तो मैं जितनी भी लड़की होती ना, कोई भी लड़की होती, मैं हर टास्क में ना सबकी फाड़ के रख देती। क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ, तो मुझे तुम इन सब चीज़ों में तो बीट कर ही नहीं सकते। अभी आप शो देखोगे आगे आपको समझ आएगा कि अभी तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अभी तो जो हमारा वो टास्क था ना रिंग वाला, उसमें बोला कि अभी तो पीहू थी, अभी आशिका आ जाती तो क्या होता, घंटा कुछ नहीं होता। आई थिंक किसी पीयू ने ये भी बोला कि आकृति का लक था और आकृति उस दिन जीत गई कुछ, और पीयू ने ये चीज भी बोली थी कि उसको पल्लवी को कि मैंने तो आप पे कुछ किया ही नहीं, मतलब आपको मैंने जीतने दिया, घंटा जीतने दिया, तुम मतलब ऐसे खड़े हो जाओगे, तुम किसी को जीतने नहीं दोगे, तुम्हारे बॉल पड़ रहे, तुम्हारे पे जो तुम्हारे क्या कहते हैं पैकेज थे वो फट रहे थे, तुम्हें खेलना चाहिए था उस टाइम, तो तुम अब ये बहाना देके मत बोलो कि मैंने आपको खेलने दिया। और मुझे बोल दी कि नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट वाले टास्क में भी देख लेना कौन कैसा कर रहा है, मैं तो चाह रही हूँ आई वुड बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि अरे बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि अभी क्या बता दिए, आशिका को आने दे अपने टास्क में, ये वो है ना, आशिका नहीं आई अभी ढंग से तुम्हारे टास्क में, छह छह लड़कियों के साथ करके बताना, अभी तो एक ही टास्क जीती है, तो अभी आगे देखो सारे टास्क आएंगे फिर बताना, फिर मैं बताऊंगी कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना स्ट्रांग है। आर यू गाइस डेटिंग? हु, मी और सचिन? नो, यू एंड दिग्विजय। Yes, obviously Sachin. No. Why? Why? मतलब ये कैसे जवाब है? Why मतलब ऐसे ही नहीं कर रहे हम लोग डेट, क्योंकि फ्रेंड है वो मेरा, सिर्फ दोस्त। हाँ, अगर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। नहीं यार, वो सिर्फ दोस्त ही है, एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कभी गर्लफ्रेंड बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें बहुत खराब है। क्या खराब है? मतलब वो बहुत नालायक टाइप का है, मतलब बहुत गुस्सा आती है मुझे। मुझे लग रहा है भाई रैंट करने आई है। मुझे बहुत गुस्सा आती है उसकी चीजों पे, वो ध्यान ही नहीं देता है, भूल जाता है कि मैं भी हूँ यहाँ पे। वो अपने अपने पागल हो जाते हैं। मैं बैठी हूँ, वो एकदम से काम काम लगने लगा, मैं कहूँगी सचिन सचिन सचिन, तो हाँ आकृति, यस आकृति, अरे ऐसे कोई लड़की पटेगी? कोई पटेगी आप बताओ? कोई नहीं पटेगा, दो झांपड़ और मार के जाएगी। मतलब वो इतना ज्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो सुनता ही नहीं है कि आजू बाजू कोई बैठा है। तो उसको मैं क्या, उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, सच बता रही हूँ मैं। अगर जिस हिसाब से वो अभी काम में इतना इन्वॉल्व है ना, देखो लड़की को चाहिए अटेंशन, और लड़का देता है अटेंशन। अगर आप लड़का देता है अटेंशन, तो अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, मतलब जो मेन चीज है नहीं दोगे, तो कैसे आप समझ सकते हो कि हम उससे डेट कर लेंगे? ओके, मुश्किल है, ठीक है। क्या आपको लगता है अगर आप प्रिंस गैंग में होते तो ज्यादा आगे तक जाते? मैम नहीं, मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं, अच्छा हुआ कि मैं रिया गैंग में गई, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे, समझने का मौका मिल रहा था, जल्दी वोट आउट तो नहीं हो पा रहे थे, मतलब ये चीज़ एडवांटेज था कि मुझे थोड़ा सा समझने का टाइम, क्योंकि वाइल्ड कार्ड जब आती, कोई भी अगर वाइल्ड कार्ड आएगा उसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए कि कौन किससे लड़ रहा है और क्यों, क्यों लड़ रहा है, और कैमरा ऑफ होने के बाद खाना क्यों खा रहा है उसके साथ, और किस लड़के के साथ बैठना है जिसकी बंदी है ऑलरेडी, उस बंदे के साथ नहीं बैठना है कि अगर मैं इसके साथ बैठगी तो पता चले उसकी बंदी वहां से घुर्रा रही है उधर से मेरे बंदे के साथ बैठ गई। तो मैं पहले जाके क्लियर कर दिया कि भाई तुम लोग का क्या सीन है, किसका क्या सीन है, तो बता दो भाई, क्योंकि मेरे से तो यार बेफोकट का लोग इतना वो कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा संभल के रहना, मतलब चलना सीखा वहां पे कि यार ऐसे बस मुंह फाड़ के किसी के पास नहीं जाना है, धीरे धीरे। सोचो मैंने सचिन को मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड किया उसके लिए कि यार सुनो मैं लॉयल हूँ गैंग के लिए, और जेन्युइनली मैं लॉयल थी अपने गैंग के लिए। रिया गैंग के खुद बंदे लॉयल नहीं थे। कौन?
भूमिका लॉयल नहीं थी और मोगली लॉयल नहीं था. मोगली तो झूठ बोल रहा है कि उसने उस दिन दिग्विजय को वोट गलती से डाल दिया था. उसने तो गलती से नहीं डाला था. तो ये चीज उसने ऑफ कैमरे पे बात किया भाई. तो ये सब झूठ मत बोलो कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार. वो तूने एक उंगली दिखाई थी पीछे से तो मैं समझ नहीं पाया वो गलती से वोट इधर चला गया. वो उंगलियां क्या थी? अरे होता क्या था ना, वोट आउट में किसी को बोलने दिया नहीं जाता था. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, पीछे हाथ करके ऐसे इधर से 1-2 तो समझ जाना कि हम इसको करना चाहते, समझ लो हम दिग्विजय को करना चाहते, तो 2 का मतलब दिग्विजय. तो मतलब ये प्रायोरिटी थी तुम्हारी. एग्जैक्टली, तो हम इशारों इशारों से बात करते थे तो ऐसे वोट आउट होते थे हमारे. तो ये तो मत बताओ कि हम लोग गलती से दूसरी उंगली देख ली तो इसलिए हम दिग्विजय को आउट कर दिए. इतना तो झूठ मत बोलो मुंगली, तो इतने रच्चे दियो. इससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे सचिन पे आता था. क्यों? क्योंकि वोट एक तो मैं नई नहीं आई, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है मुझे गैंग के साथ चलना है. ठीक है, कि गैंग जिसको वोट करेगी उसे आकृति को भी उन्हें ही वोट करना है. तो मैं सोचती थी कि बस अब मैं सचिन की आंखों में देखूंगी सचिन. और सचिन बस न्यूट्रल खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है. अभी मैं कहीं और जाके वोट दे दूंगी तो अभी मुझे बगबगाओगे तुम लोग कि क्या कर दिया तुमने. अब मैं सचिन को देख रही हूँ, सचिन कुछ नहीं, आगे इधर उधर देख रहा है, मुझे देखता ही नहीं था वो. और हमेशा मैं कैंप में जाके उसको डांटती थी कि जब किसी को वोट करना हो ना मुझे एटलीस्ट इशारा तो करो कि किसको करना है, वो देखता ही नहीं था. भाई ये इंटरव्यू के पहले इतना चुप थी, मुझे लगा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, चुप ही नहीं हो रही है. मुझे ठंडी लग रही थी यार वहां बहुत. क्या है, चलो हम दोनों की ज्यादा बनेगी, हम दोनों बोलते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है. अच्छा. कसम रोडीज में जाके तो ऐसा लग रहा है कि इतने, देखो एक फिल्टर होता है, ठीक है, आपको ऑडियंस के साथ एक फिल्टर रखना होता है कि कुछ भी ना दिख जाए, है ना. मगर इतना फिल्टर कि जो तुम हो वो तुम दिखा ही नहीं रहे हो, झूठ झूठ बोल रहे हो, हर एक स्टेप पे झूठ बोल रहे हो. मतलब श्वेत लड़ाई करता है बट एकदम से बोलेगा नहीं यार, कोई दूसरा रीजन दे देगा, नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा था. अभी एंडिंग में जाके भी हमारी बहुत सी लड़ाई होगी, बहुत सी चीज़ें बोली हैं श्वेत ने मेरे बारे में भी, तो वो चीज़ क्लियर होगी. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग वहाँ पे बहुत फेक करते हैं. क्या लड़ाई हुई श्वेत से? कि मैं उसकी बंदी हूँ ऐसा करके ये सब बातें हुई है. लास्ट में नायरा को ये चीज़ पता चलती है कि हम लोग जैसे हम PI में मिले थे मैं और श्वेत, तो हुआ ये था कि हम लोग बहुत नॉर्मल फ्रेंड्स थे, हम लोग बात बात करते थे, तो नायरा को ये चीज़ पता चल गई होगी, तो नायरा इस चीज़ से बहुत भड़क गई. तो और मैं जब मैं श्वेत की दोस्त थी, आई अग्री, अच्छी बन भी रही थी, हमारी बात भी हो रही थी, मैं इससे डिसअग्री नहीं कर रही हूँ, बट वो चीज़ें मुझे सुनने में आई कि श्वेत ने मेरे बारे में 10 लोगों को बहुत खराब खराब बातें बोली है कि यार ये लड़की आज मेरे साथ ही, कल तेरे साथ है, कल उसके साथ है. मैंने बोला ये सब क्या बोल रहे हो तुम किसी और के इमेज के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप एक बार बोल दोगे ना वो अगला इंसान भले ही कितनी कोशिश करे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा, वो सोचेगा कि नहीं यार शायद सही बोल रहा वो लड़का. तो उसने मेरे बारे में ये सारी चीज़ें बोली विच इज़ रॉन्ग, उसे नहीं बोलना चाहिए था. तो जब मैं वाइल्ड कार्ड जब गया, मेरी एंट्री हुई, तो मुझे पता चला कि श्वेत और नायरा का कुछ चल रहा है, मुझे ये सब नहीं पता. तो मैंने फिर नायरा से भी मेरी बात हुई, तो नायरा ने मतलब वो बाल स्ट्रेट वगैरह मैं कर रही थी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया श्वेत के बारे में कि श्वेत मुझसे बात करता था ये वो, बस मुझे पता चला कि दोनों डेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीन चल रहा है. और फिर नायरा मुझसे एकदम गुस्सा हो जाती कि तुमने मुझे आकृति क्यों नहीं बताया. मैंने बोला मैं क्यों टांगड़ा हूँ भाई, तुम लोग का सीन है मैं क्यों घुसूँ, अब मुझे क्या पता वो सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जाके घुसाऊँ अपनी टांग की तुम लोग का ब्रेकअप करा दूँ क्या. तो मैं ये सब नहीं चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया. तो मुझे ये चीज़ पता चले कि श्वेत ने मेरे बारे में बहुत सी गलत बातें की है, वो बहुत गलत. आप किसी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कमेंट पास नहीं कर सकते, ठीक है. आप मम्मी का रीजन दे देते हो यार, अब मम्मी के रीजन में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, चाह के भी हम कुछ नहीं बोल सकते. तो ये मम्मी बीमार है, ठीक है यार मम्मी बीमार है हम भी समझ रहे, बट वो टॉपिक नहीं है. हम तुमसे तुम्हारी बात करें कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया. अब वो मुझे बोल रहे थे कि मेरी मम्मी बीमार थी, आकृति ने 4 दिन कॉल नहीं किया. अरे तुम्हारी मम्मी बीमार थी ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, मैंने 4 दिन कॉल नहीं किया तो तुम मम्मी से क्यों कनेक्ट कर रहे हो, तुम इतना इमोशनली चीज़ें क्यों लेके जा रहे हो कि मैं ही गलत दिखाई दे जाऊँ, है ना. तो वो चीज़ मुझे उसकी अच्छी नहीं लगी. डू यू थिंक कि श्वेत ने यह बोला था कि नीरजा कौन सा वॉशरूम यूज़ करेगी, मेल या फीमेल, वॉज ही मेकिंग फन ऑफ हर? देखो वो बातें करता था और सच में फ़न करता था इन सब चीज़ों को लेके, मतलब इस पर मैं डिसअग्री नहीं करूँगा, शायद मजाक में करते. किसी को बात सच में चुप जाए यार, तुम्हें नहीं पता, आपको नहीं पता अगला इंसान कितना इमोशनल है. मैं रो देती हूँ यार, मुझे अगर कोई कुछ कह दे कि कुछ भी उल्टा सीधा कुछ कह दे मेरा रोना निकल जाएगा.
और तो फिर तो नीरजा तो यार बहुत स्ट्रांग लड़की है कि वो हमेशा अपने पॉइंट रखना चाहती है, उसको जाते जाते भी वो यही समझाना चाहती है कि श्वेत सुन, अगर तू प्यार से बैठ के सुनेगा ना मैं तुझे समझाऊंगी चीजें क्या हैं, तो वो इतनी स्ट्रांग लड़की थी वो बट श्वेत लाइक यार जा वाला टाइप, और मुझे पता है वो एक बार बोलेगा फिर बाद में सॉरी बोलेगा फिर पीछे जाके फिर वही बात करेगा, तो मैं जानती हूँ इन सबको रग रग से जानती हूँ। डिड यू वॉच माई लेटेस्ट इंटरव्यू विद हिम? अभी तो पूरा नहीं देखा बट थोड़ा बहुत देखा था स्टार्टिंग का। Do you think कि वो जो भी बोल रहा था वो रियल था ऑन द शो? मुझे लग रहा है वो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, या तो वो अच्छा है ठीक है, या तो फिर वो शो में बहुत फेक कर रहा था, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठ के वो बातें कर रहा है ना वो वैसा नहीं लग रहा जैसे वो शो पे है। शो पे उसने बहुत गलत बातें बोली हैं लड़कियों के बारे में, स्पेशली नायरा के बारे में बहुत गलत बात बोली, मेरे बारे में बहुत गलत बात बोली, और उसको किसी नीरजा के बारे में, भूमिका के बारे में, मतलब तुम किसी भी लड़की के बारे में क्यों गलत बोलना है यार तुम्हें, तुम अपने से काम करो, तुम खेलने आए हो खेलने पे ध्यान दो। और इतना हेट मतलब मैंने रोडीज के सीजन में आज तक कभी नहीं देखा, मतलब हर चीज़ में तुम्हें पोक करना है। अभी रिसेंटली उसने मेरा वीडियो फुटेज डाला कि कौन पहले बाहर जाता, क्योंकि मेरा शोल्डर अप हो गया था, और वो इतना अप भी नहीं हुआ था, रूल के हिसाब से कोई भी टीममेट किसी के भी कंटेस्टेंट के मुंह पे पानी नहीं डाल सकता, वो रूल के खिलाफ है। तो तुम्हारे मतलब प्रिंस गैंग वालों ने मेरे मुंह पे पानी डाला था, इसीलिए मेरी नाक वाक सब बंद हो गया, अभी मर जाऊं क्या मैं, तो थोड़ा सा मैं अप हुई कि मेरा वो पानी निकल जाए। ठीक है, अगर रूल की बात करें तो सबसे बड़ा रूल तो उससे तोड़ा है, उसने पैर बाहर निकाले, कंधा उसका ऊपर था, हाथ ऊपर थे, सब कुछ तो वो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से मैं कैसे गलत हुई? तो तुम्हें लगता है कि एक भी बार मेरे टीममेट वालों ने उसके मुंह पे पानी नहीं डाला, सचिन और मोगली ने उसके मुंह पे पानी नहीं डाला, डाला होता ना वो 2 सेकंड में बाहर होता। तो तुम्हें जो प्रिंस सर की और गौतम सर की जो लड़ाई होती थी तुम्हें क्या लगता है कौन सही था, और तुम्हारा रिएक्शन क्या रहता था उस पर जब वो होता रहता था पूरा टाइम? ठीक है, तो देखो इंस्पिरेशन मेरे लिए प्रिंस सर हमेशा रहेंगे, मैं सच में उनसे इंस्पायर हूँ, तभी से तो मेरा जोश आया कि यार मुझे भी करना है रोडीज। ठीक है, बट जिस हिसाब से वो इस बार मुझे रोडीज में दिखे हैं, मुझे वो प्रिंस सर नहीं दिखे जो वो पहले थे, वो बहुत अजीब सा हो गया इस बार का रोडीज सच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार गौतम सर और प्रिंस सर की लड़ाइयाँ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बार जब प्रिंस सर रोडीज में एज अ जज आए थे वो बहुत वेलकमिंग फील कर रहे थे, रफ्तार सर ने, नेहा मैम ने, रणविजय सर ने, सब ने मिलके उनको वेलकमिंग फील कराया है कि हाँ भाई आओ वेलकम रोडीज, हाय भाई वेलकम टू रोडीज, अब तू जज है, पहले कंटेस्टेंट था अब जज है, तो वो फीलिंग उनको दी गई है, वो ऑनर दिया गया है, मतलब एक इज्जत दी जाती है ना, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है शो में गौतम सर और रिया मैम को नहीं मिली है स्टार्टिंग राइट। क्योंकि प्रिंस सर देखो उनको पता है कि वो ये शो बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, तो उनको यू नो होते नहीं कि एक सीनियर टाइप का कि हाँ आओ भाई वेलकम रिया, वेलकम गौतम, आप शो में रहो मज़ा आएगा, साथ में खेलेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगा डे वन से ये चीज़ कोऑर्डिनेशन रहा ही नहीं, डे वन से उनका लड़ाइयाँ रही है, इसलिए शायद अब देखो यार कोई भी अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहेगा, वो भी अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है, बट कोई भी नया अगर शो में आता है हर किसी को अपनी वैल्यू पता है कि कौन कहाँ से उठ के आ रहा है, उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ किया, आपने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ किया, रिया मैम ने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ किया, तो हर किसी की जगह अपने अपने पे बहुत बहुत वैल्यू है। तो आप किसी को भी शो में आके ये नहीं बोल सकते कि तू तो अभी भी 2013 में है, तू तो अभी भी बिग बॉस में है, नहीं यार उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, तो कोई और नहीं होता उनको बताने वाला कि तूने ये किया है तूने वो नहीं किया है ना, तो ये चीज़ ख़राब होती है। तो शायद इसीलिए गौतम सर भी थोड़ा सा यू नो गुस्सा, क्योंकि गौतम सर ने बहुत कंट्रोल किया है यार शो में, मैंने देखा है उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, वो तो एंड मोमेंट में ऐसा था कि सर बहुत गुस्सा हो गए, मैंने कभी भी उनको इतना गुस्सा देखा ही नहीं, उनको हमेशा कूल मैंने लाइफ में पहली बार उनको देखा कि आजा भाई क्या बताएगा तू मुझे अपनी जगह, मैंने उनको फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, और वो चीज़ देख के तो यार मुझे लगा यार शायद ही कुछ यू नो लेवल बहुत ऊपर चला गया लड़ाई का, इसीलिए ये स्टेज आई है, वरना ऐसा कभी होता नहीं गौतम सर के साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, है ना, कि यार चलो यार साथ में खेलो हर चीज, मतलब इतना पर्सनली बहुत हो रहा था, ऑनेस्टली बहुत पर्सनल हो रहा था, हमको जो चीजें नहीं पता है ना उन लोग के बारे में वो हमें शो के अंदर पता चली थी कि अच्छा ऐसा कुछ है, अच्छा इंस्टाग्राम पे कुछ लग रहा है तो ये चीज हमें शो के अंदर पता चली, तो ये तो चीजें बहुत पर्सनल हो रही थी,
तो मुझे सही नहीं लग रहा था जो गेम है गेम पे रहो यार। और इस बार का रोडीज मुझे ऑनेस्टली बताओ ये रोडीज कम बिग बॉस टाइप ज्यादा लग रहा है क्योंकि इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं इतनी मेरे मॉन्टैट को खुद मतलब पसंद नहीं आ रहा है यार ये क्या कौन से शो में चली गई दिखाया तो तुमने कुछ और था वो कुछ और रहा है तो इसीलिए मुझे भी ऐसा लगा कि दोनों में लड़ाइयाँ इसीलिए हुई क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे थे। डू यू थिंक कि प्रिंस सर वाज ट्राइंग टू प्रोवोक गौतम अ लॉट प्रोवोक मुझे ऐसा लगता था कि प्रिंस सर थोड़े इनसिक्योर होते थे पता नहीं ये मुझे लग रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार देखो शो तो मैं बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ यार ये तो अभी दो नए आए हैं ऐसा नहीं होता आप शो बहुत टाइम से कर रहे हो ठीक है बट दो जो नए आए हैं उनके भी अलग वैल्यू है मार्केट में ठीक है तो उनको इनसिक्योरिटी शायद इस चीज़ की होती होगी कि यार ये लोग शो में आके कुछ ऐसा ना कर जाए कि लोग इसके फैंस हो जाए या फिर रिया के फैंस हो जाए मैं हूँ मैं अकेला शेर हूँ उनको ये लगता था तो वो अपनी चीज़ें यू नो बाहर निकालते थे कि यार तू क्या है तू क्या कर लेगा और अपने गैंग को अगर उनकी गैंग गलत भी होती है ना किसी जगह पे वो गलत होने ही नहीं देते मतलब उनके हिसाब से उनकी गैंग सबसे अच्छी है उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं उन्होंने कोई चीटिंग की ही नहीं तो ये सब गलत है। प्रोवोक की बात मैं कहूँ तो शायद हाँ करते हैं करते थे किया है उन्होंने राइट क्योंकि मैंने देखा कि गौतम सर इतना घुसते नहीं थी चीज़ों में वो अपना चुप रिया मैम तो कुछ नहीं बोलती थी चुपचाप खड़ी रहती थी मुझे ऐसा लगता था यार रिया मैम के साथ भी थोड़ा सा गलत हुआ उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है बट शो है अभी देखो मजा शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड यार बहुत मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो रखती थी और जिस हिसाब मेरे को तो स्टार्टिंग में था कि मुझे रिया गैंग में नहीं जाना है मुझे रिया मैम के साथ नहीं खेलना है बट जब मैं गई ना मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका विजन देखा ना कि यार क्या बंदी है क्या खेलती है क्या दिमाग लगाती है मतलब वो था ऐसा खेलती जैसे प्रोफेशनल जैसे लग रहा है कि बहुत टाइम से खेलती आ रही होंगी वो रोडीज मतलब हर चीज ट्रेन राइट हाँ उनके पास सबसे ज्यादा रोडियम है भाई तो मुझे ऐसा लगा तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने मतलब लड़कियां होती हैं थोड़ा यू नो स्मार्ट राइट स्मार्ट वी नो हाउ टू फूल मेन लड़ लो भाई तुम लोग जाओ करो जो करना है हमको पढ़ना ही नहीं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में नहीं पढ़ना ओके सो नाउ वी विल डू सम फन सेगमेंट्स विद यू डन द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड रूमर्स दैट गिव यू ट्यूमर्स काफी ज्यादा चर्चे में आप रही हैं ठीक है okay. तो पहला रूमर ये है कि आपकी श्वेत से शो के पहले काफी बातें होती थी राइट मैंने तो पहले ही आपको बता दिया है ना हाँ बिल्कुल होती थी क्योंकि जब हम पीआई में मिले थे तब मेरी बात हुई थी मैं बहुत पता है मैं पता है कैसी इंसान हूँ मैं यहाँ तो एकदम बहुत बोलूंगी या तो ऐसे बैठ जाऊंगी जैसे मरी हुई लाश है मतलब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये इतना भी बोलती है तो मैं मूड के हिसाब से ऐसा चेंज होती हूँ तो जब मैं शो मतलब पीआई के लिए गई थी तब मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पर श्वेत मिला था तो वहाँ पर सब गेम वेम खेले थे तो मतलब ऐसे ना किल मैरी हुकअप टाइप कुछ चला था तो 10 लड़के लड़कियाँ सब बैठे थे सारे लड़कों ने बोला आकृति के साथ मैरी 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 तो उसमें से एक श्वेत भी थे मैरी और फिर वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि हम मैरी उनको बोलेंगे बट ऐसा कुछ नहीं था मैंने बोल दिया था जोगिंदर को मैरी मैं जानती नहीं थी उसे बगल में बैठे मैंने कहा ज्यादा फॉलोअर्स चलो यार शादी के बाद फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे यार तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं इनसे मतलब क्योंकि जोगिंदर भी उस टाइम कुछ नहीं बोल रहा था मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जोगिंदर है मुझे नहीं पता था मुझे तो बाद में पता चला कि वो जोगिंदर है थारा भाई जोगिंदर तो मैंने बोल दिया कि मैं इनके साथ मैरी करूंगी ठीक है सबने बोला तब जाके श्वेत का मेरे पास हम लोग हमारी पीआई में भी बात नहीं हुई ऑनेस्टली बताऊं तो हमारी पीआई में बात नहीं हुई पीआई से जब हम लोग वापस घर गए तो उसके बाद 2-3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आता है श्वेत का कि हाय कैसा चल रहा है सब कुछ फिर हम लोग बहुत नॉर्मल बात करने लगे वाज ही फ्लर्टिंग टू मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर दिस आई थिंक ही फ्लर्ट्स विद ऑल द गर्ल्स या हां वो तो खुलेआम करता है यार सो वाज ही फ्लर्टिंग ये तो मैं तो समझ ही नहीं पाई ये तो मैं शो में आने के बाद समझी कि यार ये तो रग रग में भरा पड़ा है उसके मुझे लगता था कि मैं अनोखी हूं मैं स्पेशल मुझे तो पता ही नहीं था लड़कियों को ऐसा लगता है कि आप अपने बॉयफ्रेंड या लड़के फ्रेंड के लिए स्पेशल ऐसा कुछ नहीं वो बहुत फोकट है उनके पास बहुत टाइम है वो सबको इतने अटेंशन देते हैं मैं सोचती थी यार मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्मार्ट हूं मतलब मुझे कोई लड़का ऐसे फंसा नहीं सकता मतलब उनकी चुंगल वुंगल बातों में फंसूंगी नहीं बट फंस गई थी यहाँ पे फंस गई थी मैं फंसी नहीं थी मैं ये सोच रही थी कि यार शायद ये मुझे से फ्लर्ट कर रहा है इसके लाइफ में मेरे अलावा तो और कोई नहीं है तो मुझे ये लगता था कि वो जिस हिसाब से करता था तो इसलिए मुझे लग रहा था ठीक है बट ठीक है हम लोग की मैंने इतना भाव भी नहीं दिया उससे वो भी बस थोड़ा बहुत नॉर्मल हमारी बातें होती थी तो ठीक है जैसा चल रहा था बट 10 दिन के बाद जब कॉल आ गया ना कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई वो सिलेक्ट है
तो उसको पता चल गया कि आकृति तो आने वाली नहीं है, तो उसने और से एंगल बनाते हैं तो कहीं और से एंगल बनाते हैं। और एक और बात बताऊं? बता देती हूँ, ठीक है? ऐसा शायद मुझे ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो भी सकता है कि जिस दिन मैं वाइल्ड कार्ड में गई थी तो उसने मेरा चेहरा देख लिया होगा, है ना? तो उस दिन शायद उसने नायरा से ब्रेकअप कर लिया, और मुझे सुनने में मैंने कहा कि तुम दोनों का तो चल रहा था, तो ये नहीं यार वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसने तो ब्रेकअप कर लिया। मैंने बोला ये तो बहुत गलत कर दिया। अच्छा मतलब नायरा और श्वेत का दे वर एक्चुअली डेटिंग शो के अंदर? दे वर, हां, बट ऑन द काउच ही सेड दे वर नॉट अ थिंग। नायरा से पूछो, अरे नायरा को बुला नहीं आ सकती वो? बुलाएंगे ना, उसका टिकट टिकट करा के बुलाएंगे ना। वो बंदी मुझे सबसे बेस्ट लगी, मतलब जेन्युइन बंदी। मुझे तो ऐसा, अगर उसने लीक की भी है तो चलो की है, उसने की भी होगी भाई, कोई बात सच्चा नहीं था, सब कोई हर कोई बात लीक कर रहा था, बट जब वो बोलती थी ना वो बहुत सच बोलती थी और एकदम फैक्ट पे बात करती थी। अगर उसने बोला सचिन को कि तू डिसलॉयल है तो प्रूव हुआ ना कहीं से कि वो डिसलॉयल था, उसने बात की है ये चीज और उसको पता है उसको अपने पॉइंट्स कैसे रखने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे नायरा का नाम नहीं लिखना था उस दिन, मुझे पता नहीं था ना, मैं भी नई नई आई थी। अब मुझे साला जिस दिन वोट आउट था मैं सोची आज तो वोट आउट करना है, मुझे तो नाम किसी के याद ही नहीं है वोट आउट किसको करोगी? और भगवान ने साथ दिया कि गैंग में से किसी को करना है, तो चलो गैंग में से किसी का तो नाम याद है मुझे। अब भूमिका थी, मैंने कहा यार इनको नहीं देते हैं क्योंकि बहुत हाथ वात पकड़ के चल रही थी, बाबू बच्चा बच्चा करती थी, मुझे लगा सच में बच्चा ही होंगे अब इनका, इतना प्यार, बच्चा बच्चा बोलते हैं, बच्चा बच्चा कच्चा खा जाते हैं, इतना प्यार दे, तो मुझे लगा कि शायद सच में मतलब प्यार करती होंगे मुझसे, मतलब इतना, मतलब मैं जिस चीज की भूखी थी वो चीज तो दे रही थी वो, मुझे सपोर्ट प्यार चाहिए था वो दे रही थी। बालों के रंग बदलने के साथ उन्होंने वोट्स भी काफी बदले, ये बात आप भूलिएगा मत। मैं भूल ही नहीं सकती, अरे यही तो असली जख्म दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस दिन नायरा को वोट आउट नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था भूमिका को। अगर भूमिका आउट होती ना, मैं बता रही हूँ, रिया गैंग स्ट्रांग रहती, मैं बता रही हूँ। सुनने में आया कि जोगिंदर भी काफी लट्टू था आपके लिए। जोगिंदर, अरे यार उसको यार इन सब चीजों में मत घसीटो यार उसको लेना देना ही नहीं है वो इन सब चीजों के लिए बना भी नहीं है, ट्रस्ट भी वो इन सब चीजों के लिए बना ही नहीं है सिस्टा उसका तो यही चलते रहता था यार, मुझे नहीं लगता वो इन सब चीजों के लिए बना है। शायद उसने मुझे बहुत हार्डली फ्लर्टिंग की होगी, मजाक में नहीं करते हैं वैसे ही किया उसने फ्लर्टिंग, एज सच कुछ ऐसा रियलिटी में नहीं है कि आकृति मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है। श्रीवेद ने बोला था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, हाँ मर भी जाता मर ही जाता मर ही जाता। अरे उसने मेरे बारे में, हाँ मैंने चलो एक कवर कर दिया। सुनने में आया कि आपने सचिन के साथ जो स्वॉप किया था अब वो आप डिसीजन रिग्रेट करते हो? कभी नहीं, नहीं मतलब वही इम्यूनिटी वाला ना, क्यों करूं मैं करना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत अच्छी चीज की रोडीज में, कोई वहां पर लॉयल नहीं था बट मैं थी, हमेशा से अपने गैंग के लिए रही हूँ, मैंने जिससे दोस्ती की है मैं उसके लिए लॉयल रही हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगी, अगर मैंने बोला है तो मैं सच में करूंगी, ठीक है? अगर मैंने तुमसे रियल फ्रेंडशिप रखी है तो मैं तुम्हारे लिए इम्यूनिटी क्या, मैं वोट आउट होकर घर जाना है मैं जाने के लिए भी रेडी हूँ। तो अगर मुझसे किसी ने वहाँ पर सच में फ्रेंडशिप अच्छे से दिल से की होती ना तो मैं उसके लिए भी कुछ भी कर देती, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो रियलिटी शोज हो। आपके पास अगर फ्रेंड्स नहीं है ना आप लाइफ में बहुत अलोन फील करोगे, मिजरेबल, राइट? तो आपके लिए फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शो के अंदर शायद मैंने जो इम्यूनिटी दी है ना सचिन को वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे रियल लाइफ में एज अ फ्रेंड सचिन बहुत बहुत बड़ी चीज़ मिली है मुझे, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के लिए कि मुझे सचिन जैसा दोस्त मिला है लाइफ में। क्योंकि जो चीज़ उसने शो के अंदर बोली थी ना कि आकृति आई एम देयर फॉर यू, अब मेरी बारी है, तुमने प्रूव कर दिया। क्योंकि उससे मैं बता रही हूँ उसे पता भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ, उसको आइडिया भी नहीं था कि आकृति सच में मतलब उसे बहुत पसंद करती है एज अ फ्रेंड, उसे आइडिया नहीं था। इसीलिए उसने मेरे लिए बोला कि मैं आकृति पर ट्रस्ट नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने उसको हर पॉइंट में गलत प्रूफ किया है, मैंने सचिन को हर पॉइंट पे गलत प्रूफ किया है, क्योंकि उसको लगता था कि शायद मैं शिवेद के साइड हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बाहर बात हुई है, शायद मैं दिग्विजय के साथ हूँ, मैंने उसके कंधे पे सर रख लिया, तो उसको लगता था कि मैं शायद दिग्विजय को कि मैं दिग्विजय को प्रायोरिटी में मतलब रखना चाहती हूँ कि उसको वोट आउट मत करो। तो मैंने उसको हर मैंने उसको स्टार्टिंग डे में बोला था कि सचिन मैं लॉयल रहूंगी, ट्रस्ट में कैसे बताऊँ? एक तो जब वाइल्ड कार्ड जाओ ना आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों का विश्वास जीतना,
कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मुझ पर बिलीव रखो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एंड में लोगों को समझ आया जब मैं निकल गई, अब क्या करोगे, अब तो निकल गई मैं, नेक्स्ट रियलिटी शो। अरे यार अबे क्या बोलूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मेरे लिए कोई ऐसा रियलिटी शो बचा है। सुनने में आया कि आप स्विट्जरलैंड कर रही हैं सर। नहीं, क्यों? वहाँ बहुत मेरे माँ बाप देख नहीं पाएंगे वो शो, वो नहीं देख पाएंगे, वो वैसे ही बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, वो यहाँ पर ऐसा नंगू पंगू देख लेंगे तो जितना घर में आने जाने की छूट है वो भी नहीं मिलेगी मुझे, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं स्प्लिट्स वगैरह करना चाहूँगी। बिग बॉस? हाँ मैं करना चाहूँगी बिग बॉस, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, कंटेंट की दुकान हूँ मैं। मुझे बिग बॉस भी करना, मुझे लॉकअप भी करना, मुझे झलक दिखला भी करना है। और कुछ लिस्ट है? मैं तुम्हारी कास्टिंग डायरेक्टर लग रही हूँ, मेरा खुद नहीं हो रहा है, तुम मुझे लिस्ट दे दो, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये सब करना है, करा दो प्लीज। तुम्हारा पहुंचा देते हैं, पहले अपना पहुंचा देना। ओके, नाउ वी विल प्ले अ फन सेगमेंट विद यू व्हिच इज कॉल्ड रैपिड फायर विद आकृति नेगी। I'll ask you questions. You just gotta be rapid and you gotta be you. Okay, fire. Which is fire. Okay. Fire. झुकेगी नहीं साली. झुकेगी साले. सालों ने झुका डाला और मोटा उठ कर लिया. इन लोगों ने हमेशा ना मुझे ना बकरी का बकरा बकरी का बकला बनाया मुझे बकरी का बता सॉरी बकरी का वो कह हाँ बात का बकल बली का बकरा बली का बकरा बनाया है। ठीक है, ऋषभ ने हर मौके पे मुझे वोट आउट किया है। ऋषभ विश्वास मत, नहीं करना चाहिए था मुझे सच में, नहीं मजाक कर रही हूं। एक तो गलत लड़के पे मैंने हाथ डाल दिया ना, सच जो उसका अच्छा दोस्त है उस पर तो डालना ही चाहिए था, क्योंकि उसको बचाने के लिए तो हमेशा उन्होंने मुझे धोखा बोलता मेरे मिल जाए अभी ना, मैं कसम बता रही हूँ। वाइल्ड कार्ड नहीं होती ना, तो मेरे लिए जर्नी अलग होती, बहुत अलग होती है। और पता है मुझे ऐसा लगता था कि मैं फाड़ सकती थी यार ये रोडीज, और मैं बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे इस साल रोडीज नहीं करना चाहिए था। आई फील हर चीज़ का ना समय होता है, अगर वो चीज़ हुई आपकी ज़िंदगी में तो वही लिखी होगी। बट मैं जब से ये रोडीज हुआ ना, मैं गॉड पर बहुत बिलीव सा करने लग गई हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत कोशिश की यार हो जाए, मैं रोई, लिटरली रोई हूँ, रात में वॉश में बैठ के रो रही हूँ कि मेरा नहीं हुआ रोटीज में, मगर बिना कुछ किए सोचो मैं वाइल्ड कार्ड में आ रही हूँ। तो भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है, तुम चाहे जिस इंसान को प्यार कर लो ना, ज्यादा सब कुछ कर लो, वो तुमसे अगर प्यार नहीं करता तुमसे नहीं होगी शादी उससे। ठीक है, तो भगवान ने हर चीज लिखा है, तो मैं बिलीव करती हूँ गॉड पे, करना ही चाहिए बिल्कुल यार, क्योंकि और बढ़ गया। मैं भी जब बॉम्बे आई थी मुझे नहीं पता था जो मैंने चीज मांगी नहीं है मुझे वो भी मिलेगी। राइट तो सब कुछ समय के हाँ समय के साथ होगा, और मैं भी सब छोड़ दिया, मैं अब आगे का नहीं सोच रही। ऐसे हम दोनों की जर्नी इतनी लिखी होगी शायद। हाँ, माय गॉड, ये सब बहुत बुरा होता है। ओके, वी विल स्टार्ट विद द रैपिड फायर। ओवररेटेड पर्सन ऑन द शो? ओवररेटेड शिवेत। इफ यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड आउट दैट यू हैव टर्न्ड इनटू भूमिका, व्हाट वुड यू डू? प्रियंका किधर हो? यू डू प्रियंका? किधर आओ, तुम्हारे होंठ छोटे कर दें। लिटरली वन पर्सन यू विल नेवर टॉक टू आफ्टर द शो? ऐसी मेरी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं हुई। और एक और मैं हाँ चलो ये खत्म हो जाए उसके बाद बोलती हूँ। किसी ने कहा आकृति लक से डंडे वाला टास्क जीत गई थी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? लक की बात करें जो आगे परफॉर्मेंस दिया उसके बेसिस पे बात करना, क्योंकि वहाँ पर 6 की 6 लड़कियाँ थी साथ में। ठीक है, वहाँ पर 6 की 6 लड़कियों ने साथ में परफॉर्म किया था। ठीक है, और वहाँ पर सबसे पहले टास्क किसने किया वो देख लेना तुम लोग जाके। ठीक है, और वो गेम सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं था कि स्ट्रेंथ का था, उसमें तुम्हें दिमाग भी लगाना है, दौड़ना भी है, सब कुछ करना है। वो तीनों कॉम्बिनेशन मेरे में थे, इसलिए मैंने सबसे पहले वो टास्क कंप्लीट किया। 3 फाइनलिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मी। डिस्क्राइब गौतम्स एंड प्रिंसेस फाइट विद वन वर्ड। कुत्ता बिल्ली का झगड़ा। लव एंगल दैट वाज कंप्लीटली फेक? लव एंगल यहाँ तो सारे फेक थे। लव एंगल क्या, ये शिवेत का नायरा के साथ। नायरा की तरफ से कुछ भी नहीं, नायरा की तरफ से सब जेन्युइन था, शिवेत की तरफ से जो था वो भूमिका उसका क्या नाम है प्रियंका का, इन सब का सब फेक है। लास्ट वन, डू यू रियली लव सचिन? नो। बेचारा फ्रेंड ज़ोन हो जाता है हर बार यार, हर बार। नहीं
हैं. Anything else you would like to say on this amazing show which is called Don't Spill Too Much, but you've already spilled a lot. Yeah. So thank you. Welcome. तो यार मेरे को देखो ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जेन्युइनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनको मैं टीवी पे देखा करती थी उनके साथ आज मैं बैठ के ये शो कर रही हूँ. मतलब तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो यार आज मैं उस जगह बैठी हूँ जहाँ मैं सोचा करती थी अपने आप को. एंड बाई गॉड ग्रेस ऐसा हो कि मैं और भी आगे जाऊँ. ठीक है, जैसे मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला है और भी मिले. एंड मैं बहुत हार्डवर्क करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में. ठीक है, बस ये नहीं कि गो विद द फ्लो करना चाहती हूँ, मैं बहुत काम करना चाहती हूँ आपकी तरह. I relate with you a lot. मतलब मुझे हम दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी सिमिलर है क्योंकि हम बहुत बोलते हैं. राइट. ठीक है, और हमें बोलना अच्छा लगता है. हम बोलते ही रहते हैं और हमें कभी कभी हम सेंस भी नहीं बनाते पर हमें मजा आता है बोलने में. बस सुनने वाला चाहिए. एंड आई फील मैं भी जब अपने घर से निकली थी तो मुझे मेरे अंदर जोश था कुछ करना है. राइट. फैमिली को प्रूव करना है. नहीं पता होता था मुझे कि यार मैं क्या करूं. आई फील सब होगा आराम से, सब हो जाएगा. जब मैं बॉम्बे आई थी मुझे लगता था फक मैं 20 दिन में भागने वाली थी घर. मैंने बताया हुआ है कि मैं मेरी फट गई थी. मतलब मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, मैं कैसे रेंट भर पाऊंगी कि नहीं. बट आई थिंक आई doing pretty well for myself and I'm making my family proud. So one day you will make you're already making them proud. Definitely. तो मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ कि जितनी सच में मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि यार मैं भी बहुत नॉर्मल फैमिली से आई हूँ. अगर कोई भी ये शो देख रहा होगा ना, मुझे पता है कहीं ना कहीं लड़कियाँ होंगी जो सोचती होंगी कि यार हमसे नहीं हो पाएगा. अगर तुम ये सोचो ना तो मैं डेफिनेटली बता रही हूँ तुमसे हो पाएगा ये चीज़ें. तुम लोग एक बार शुरू करो ना, सब कुछ पॉसिबल है. मैं पहले सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. बट मैंने एक बार ट्राई किया ना, सोचो मैं रोटीज कर लिया. मैं लिटरली वोट आउट में बैठ के से अपने आप को ऐसे करती थी, पिंच करती, मैं रोटीज में हूँ, आकृति पिकअप अच्छा लग रहा है यार. तो प्लीज गाइज अपने ड्रीम्स को चेस करो, जाओ जो मन करे ना वो करो. और कभी भी अपने लाइफ को टाइम को ऐसा वेस्ट जाने मत दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली मेरी आपसे तो बात नहीं हुई होती. कहाँ बात हुई, एंड में तो वो हुई है. मेरा फेवरेट इनसाइडर थे हामिद सर. वो कहते हैं मुझे सर की बोलती हो. क्यों बोलती हो सर उन्हें? क्योंकि बता नहीं, जिसको मैंने स्टार्टिंग से अगर मैंने सचिन को भैया बोला होता तो शायद मैं पूरा टाइम भैया बोल रही होती. सैया से भैया. तो मैंने उनको स्टार्टिंग से सर बोला तो मेरे को ऐसे हामिद बोलने में अजीब सा लगता है. तो मेरे फेवरेट इनसाइडर हामिद सर. चलो निकलो फिर यहां से. ऐसा नहीं, मैं लास्ट में आपसे मिलने, मैं स्टार्टिंग में आपसे मिलना चाहती हूं. अभी अभी कौन है? अभी श्रेया कर रहे गाइस. ठीक है. This was Akriti Negi for you guys and we had so much fun. I hope you love the video and please bahut sara is video ko pyar do and comments mein mujhe batao ki mera next guest kaun hona chahiye and I will see you in the next one. Bye.